मजबूती के हिसाब से ये देखिए, मतलब ये मजबूत है। हाँ। मेरी गाड़ी अभी 3300 किलोमीटर चल चुकी है। 3300? हाँ, एक महीने में 3300 चल चुकी है, लेकिन अभी तक सर्विस, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उषा की किरण में। मैं हूँ आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, हमने पहले बाहुबली ई रिक्शा के जो है काफी सारे वीडियो आपके चैनल उषा की किरण पर दिए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस रिक्शा को चला रहे हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ में नितेश भाई, इनसे हम जाने कि ये जो ई रिक्शा है जिसके बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी हुई है, ये वाकई में चलने में कैसा है, क्या इसके बारे में कहते हैं हमारे नितेश भाई। तो हमने नितेश भाई का समय लिया है आज, और इन्होंने ये अभी हाल ही में ख़रीदा है, एक महीने पहले के आसपास में। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या इसको ख़रीदने के बाद में इनको अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो नितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला थोड़ा सा अपने बिजी लाइफ से। तो आप हमें ये बताओ नितेश भैया कि इसको आपने कब ख़रीदा था? इसको मैंने एक महीना तो हुआ है मेरे को लिए हुए। एक महीना हो गया जी। तो अच्छा। ये 24 तारीख को ली थी और ये 24 तारीख को मेरे को एक महीना पूरा हो चुका है। अच्छा जी। तो आप ये बताओ कि भाई ई रिक्शा तो आजकल जैसे आपने देखा होगा रोड पे ढेरों सारे भरे हुए हैं, आपने बाहुबली जो ई रिक्शा है इसके बारे में कहाँ से सुना और इसी को लेने के बारे में आपका विचार कैसे बना? इसको हमारे जो प्रदीप भाई हैं वो पहले मैकेनिक का काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो मेरे कने एक्चुअली एक अल्फाइन थी 5 बैटरी में, तो मैं उनके कने रिपेयर कराने आते रहता था। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एक बाहुबली करके गाड़ी है जो सबसे बेस्ट आ रही है, किलोमीटर भी उसमें ज़्यादा है क्या, और उसका सस्पेंसर वगैरह सब बेस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है वो लेंगे। तो एक्चुअली मैं अल्फाइन चलाता था, तो अल्फाइन मेरे को जमी नहीं है। मैंने उसको 8 महीने चलाया, 8 महीने में उसको मैंने बेच दिया, क्योंकि मेरे को सस्पेंसर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। सस्पेंसर में जी, और एक्चुअली वो साउंड भी बनाती थी। बाहुबली जब से मैंने ली है, मैं अब जाके थोड़ा सुखी हुआ हूँ महीने भर में। अच्छा अच्छा, सुखी हो गए मतलब? बिल्कुल सुखी हुआ हूँ। अच्छा, बाहुबली लेने के बाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर शहर में फूटी कोटी के पास में अपना ई मोटर्स करके क्या नाम है शोरूम है, जो कि प्रदीप भाई ओन करते हैं, और वो इनके खुदान खासा इनके मित्र हैं, उन्होंने इनको सलाह दी थी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि नितेश जी, इसको जब आप चलाते हो रोड पे जी, तो आपके जो पैसेंजर इसके अंदर बैठ के जाते हैं, सवारी लोग जो जाते हैं, उनका क्या फीडबैक रहता है भाई, क्या कम्फर्ट मिलता है उनको? उनको बहुत कम्फर्ट मिलता है। इसमें 4 सवारी बिल्कुल पीछे एक बराबर से बैठ जाती है क्या, मतलब जगह अच्छी खासी, जगह अच्छी खासी दी हुई है। दूसरा, उनको दचके कम लगते हैं। अच्छा। क्योंकि सस्पेंसर सबसे बेस्ट है इसका, तो इस कारण उनको दचके कम लगते हैं। मतलब कि इसमें बैठने की जो जगह है वो काफी अच्छी है ना? काफी स्पेस भी दिया हुआ है, पैर से पैर ज्यादा चिपकते नहीं है इसमें, सवारी आराम से बैठ जाती है। अच्छा, कितने लोगों को बैठा के चलाते हो आप ये? मैं एक्चुअली 4 लोगों को बिठाता हूँ, और दो कभी दो इस साइड में और आगे एक आगे बिठा लेता हूँ। अच्छा, 5 लोग? 5 लोग बिठा के चलाता हूँ सर। जो भी बैठता तो यही बोलता है कि भैया ये जो लुक दिया है बहुत अच्छा दिया है, कि पकड़ने के इजी। अच्छा, अच्छा, ये यहाँ पे भी पकड़ने का दिया है ना? जी। अच्छा अच्छा, तो ये आपके पैसेंजर मतलब कि खुश है इसमें बैठ करके, है ना? अब जब इसको चलाते हो तो आपका क्या फीडबैक है चलाने का? मैं चलाता हूँ तो कम से कम मेरे को भी स्पेस मिलता है, सवारी भी बैठ जाती है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती चलाने में इसको। दूसरी चीज, चलाने में इसको कोई साउंड नहीं आता है, बिगर साउंड चलती गाड़ी। दूसरी चीज, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसका माइलेज बहुत अच्छा है, ये 150+ जाती है, 150 किलोमीटर से 150 से ऊपर, मतलब 170 के समथिंग चल रही है। मैं चलाई है मैंने बैटरी, अपन अगर चार्ज करते हैं तो एक बार की चार्जिंग में ये 170 किलोमीटर चल रही है। 170 चलती जी। वैसे कंपनी वाले कितना बोल रहे थे इसको? कंपनी वाले 140-150 दे रहे हैं। अच्छा, तुम 170 चला देते जी? अच्छा अच्छा, यानी कि अच्छा खासा चल रहा है। ये 8 से 10 घंटे में ये फुल चार्ज हो रही है। अच्छा, चार्जिंग का टाइम मतलब 8 से 10 घंटे जी। 5 बैटरी में है ये गाड़ी। अच्छा, और क्या आपको इसमें अच्छा लगा ये बताओ? और इसमें ये अच्छा लगा कि इसमें कैरियर अच्छा बढ़ा दिया थोड़ा, तीन चार बैग छोटे छोटे आ जाते हैं इस पे। दूसरा, बारिश के लिए ये पर्दे दिए हुए हैं इनमें। अच्छा, ये पर्दे जो है जी, जैसे तुम्हारी जो सवारियां हैं वो बारिश में भीगने से बच जाती है। मजबूती के हिसाब से आपको कैसा लगा ये? मजबूती के हिसाब से ये देखिए, मतलब मजबूत है। हाँ, बिल्कुल मजबूत गाड़ी। अच्छा, ये तुमने SS में लिया हुआ है ना? जी, ये SS मॉडल में मैंने गाड़ी लिया हुआ है। एक MS भी तो आता है इसका? MS भी आता है, SS मॉडल ये इसलिए कि इसमें चमक दमक थोड़ी अच्छी है, टेल लाइट वगैरह दी है ये बहुत बेस्ट दी है, इसमें जो जालियां दी है ये इसलिए दी है कि कोई गाड़ी वाला टक्कर भी मारे अगर तो ये फूटेगी नहीं, सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी रहेगी बिल्कुल। अच्छा,
अच्छा, इसका जो ये ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसको कि अपन कहते हैं ना कि जमीन से यहाँ तक की जो दूरी है, ये बारिश वगैरह के मौसम में कैसा क्या है तुम्हारा? बारिश वगैरह के मौसम में अगर थोड़ा बहुत पानी भी कहीं रोड पे भरा रहता है तो अपन गाड़ी निकल भी जाएगी तो मोटर पे पानी नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब ठीक ठाक, थोड़ी स्पेस अच्छी दी हुई है इनमें, टायर बड़े जी, टायर बड़े हुए हैं, बोर हो जाता हूँ तो इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, रेडियो एफएम, रेडियो एफएम वगैरह सब दिया हुआ है। अच्छा, इसकी जो लाइट वाइट है ये कैसी है नितेश भाई? लाइट सबसे बेस्ट है सर, रोशनी अच्छी है। इसमें दो एलईडी ये लैंप दे रखेंगे, उसके बाद में ये एलोजन बल्ब दे रखा है, उसमें भी एलईडी दे रखी है सर। अच्छा लगता है, रात के समय रोड पर पूरी लाइट रहती है। गाड़ी लेने के बाद में आपको एक महीना हो गया है, सर्विस वगैरह का कोई इशू है क्या कभी? कोई नहीं, अभी तक सर्विस वगैरह का कोई इशू नहीं है। मेरी गाड़ी अभी 3300 किलोमीटर चल चुकी है। 3300? हाँ, एक महीने में 3300 चल चुकी है, लेकिन अभी तक सर्विस, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। अच्छा, 3300 किलोमीटर, एक दिन में कितना किलोमीटर चलाते हो? एक दिन में मैं चलाता हूँ 130-150 ये समथिंग चलाता हूँ। मतलब पूरी जो बैटरी भरते हो पूरा यूज करता हूँ। चाहे बताओ आप कमाने के हिसाब से कितना कमा रहे हो रोजाना का? कमाने के हिसाब से सर मेरा अभी समथिंग नहीं 1200-1500 रुपये रोज की इनकम है। 1200-1500 छाप जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यानी कि मतलब आप खुश हो इसको लेकर? बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स के लिए आप कुछ कहना चाहें, दर्शकों के लिए, तो आप अपने विचार बोलें। मैं सभी इंदौर वासियों से ये निवेदन करता हूँ, पूरे देशवासियों से, ये तो पूरे देश में मिलता है अपना, ये जो है अपना बाहुबली इंदौर में फर्स्ट है। मैं सभी से निवेदन करूँगा, अगर ई रिक्शा में गाड़ी आप चॉइस करते हैं तो बाहुबली सबसे बेस्ट। साथियों, हमारे साथ में कुछ हमारे जो सीनियर वरिष्ठ नागरिक हैं, अंकल हैं, इनसे हम जानते हैं कि ई रिक्शा जो है वो किस लिए बेनिफिशियल है आज के समय में, और इनकी गली में बाहुबली इन्होंने ज़्यादा चलते हुए देखा है, ये वाला ई रिक्शा जिसके बारे में इन्होंने मुझे कहा था कि हम भी अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में बताइए। और सबसे बड़ी बात कि ई रिक्शा में आपको अच्छा क्या लगता है बताइए? ई रिक्शा क्या ईजी गोइंग रहता है, हर जगह हर गली में जो है जाने में सुविधा रहती है, और ऑटो ये इनमें जो है मतलब भीड़ भाड़ होने के कारण जाने में तकलीफ होती है, और ई रिक्शा ईजी गोइंग चला जाता है, और इसमें ईजी गोइंग ये रहता है धक्के नहीं लगते हैं, और मतलब वो ऊपर नीचे वाला ज़्यादा चक्कर नहीं। अच्छा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं बाहुबली जैसा कि आपने कहा था? ई रिक्शा से अच्छा कोई साधन नहीं है। और बाहुबली? बाहुबली तो बहुत ही अच्छा है, हर कहीं उपलब्ध हो जाता है, जहाँ कहें वहाँ ले जाने को तैयार रहते हैं, और इतना आरामदायक है, ना कोई आवाज़ है, ना कुछ नहीं है, ना कोई खराबी होने की डर है, और एकदम अच्छा सा। और सबसे अच्छी बात है कि पर्यावरण के अनुकूल है, कोई हमारा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं फैलता है, पर्यावरण के पर्यावरण आपको कहीं रहता कि पॉल्यूशन नहीं होगा, पर्यावरण के लिए सबसे बढ़िया है। तो नितेश भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे सभी व्यूवर्स के लिए, जो कि बाहुबली को खरीदने का सोच रहे होंगे तो उनको भी आइडिया हो गया कि मतलब कि बाहुबली किस तरह का है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी सर, और आपका ई रिक्शा अच्छे से चले, और आपकी भविष्य की कोई प्लानिंग है तो वो बता दो आप। अभी मेरा न्यू ईयर में चल रहा है दिवाली बाद, कि मैं एक बाहुबली और लूं। एक और लोगे जी नई साल के अंदर? अच्छा, ये जो डीलरशिप आपने हमें बताई थी अपना ई मोटर्स जी, इनके बारे में क्या आपका विचार है? के विचार में जो भी गाड़ी लेना चाहे वो अपना ई मोटर्स पे द्वारकापुरी मेन रोड 60 फीट के पास में प्रदीप भाई के वहाँ आए परचेस करें। ये इंदौर में डीलरशिप का नाम बता रहे हैं, अपना ई मोटर्स है द्वारकापुरी मेन रोड इंदौर में, जिनके मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।